हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट होता है वो टॉक्सिक होता है कि लेस टॉक्सिक होता है, ये हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, जो क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। अब जो अमोनिया जनरेट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिज्म जनरेट करते हैं, उनकी एग्जांपल क्या क्या है और उनको कहते क्या हैं। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को सेक्रीट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को सेक्रीट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को सेक्रीट करते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को सेक्रीट करते हैं उसको कहते हैं अमोनोटैलिक, यूरिया को कहते हैं यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड को सेक्रीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक। ये मैं याद रखना है सेकंड पॉइंट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोनी फिशीज होती हैं वो क्या होती हैं, एमोनोटैलिक। उसके बाद जो एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमोनोटैलिक। और जो एमोनिया होता है इसको क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ये मैं याद रखना है। और जब क्या होता है कि अडेप्टेशन हुई, ठीक है, अडेप्टेशन होने के बाद क्या हुआ, जब टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दी, अडेप्टेशन कर दी वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए उन्होंने क्या की, अडेप्टेशन की, और उन्होंने क्या किया, अपने जो नाइट्रोजिनियस प्रोडक्ट है उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, लीस्ट टॉक्सिक कर दिया। ठीक है, तो कौन सा हुआ, यूरिया, और फिर कौन सा हुआ, यूरिक एसिड। हम देखते हैं बर्ड्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम होता है। ठीक है, तो अब हमारी एनसीईआरटी में क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फ्रॉग जो होता है वो क्या होता है, यूरियोटैलिक। ठीक है, ये याद रखना है, एम्फीबियन का मेंबर है। मैमल्स क्या होते हैं, यूरियोटैलिक, दैट इज नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट कौन सा होता है, यूरिया, ये याद रखना है। टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन, ध्यान से देखिए, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, फ्रॉग भी आ गया। ठीक है, और मैराइन फिशीज की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी आ गई, कार्टिलेजिनस फिशीज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला था, बोनी फिशेज क्या होती हैं, अमोनोटैलिक। जो मैराइन फिशेज, दूसरी कौन सी हुई, कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है एनसीईआरटी वालों ने, तो याद रखना आपको। ठीक है, बोनी फिशेज से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने, मैक्सिमम वाटर किसको नीड होती है, अमोनोटैलिक वालों को, और लेस वाटर किसको होता है, यूरियोटैलिक। ठीक है, और लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट वाटर की, लीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर किसको होती है, जो यूरिकोटैलिक्स होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि जब हमने स्टडी किया था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में हमने क्या कहा था, जब हम एक्सक्रीशन स्टडी करेंगे, एक्सक्रीशन स्टडी करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने क्या कहा कि अमोनिया क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में क्या होती है, डाइजेशन वगैरह होती है प्रोटीन्स की, तो अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है, अमोनिया रिलीज होती है तो क्या होता है, जब क्या होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो किडनी में तो जा नहीं सकती, क्योंकि किडनी में अगर अमोनिया इतनी ज़्यादा अमाउंट में जाएगी तो क्या हो जाएगी, किडनी को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। तो इसलिए क्या होता है कि अमोनिया फर्स्ट कहाँ जाती है, लीवर में। ठीक है, लीवर में कन्वर्ट होती है यूरिया में, और यूरिया किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। और ये मैं याद रखना है, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो किडनी स्टोर कर लेती है, किसके लिए, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट। ठीक है, याद रखिएगा, किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, ये आपको याद रखना पॉइंट। उसके बाद बात किसकी आती है, हम देखते हैं कि जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चलिए देख लेते हैं इनको। पॉरीफेरा जो है इनमें क्या होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम होता है तो उसी के थ्रू एक्सक्रीशन कर लेती है। ठीक है, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा बॉडी सर्फेसिस के थ्रू। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लैटी हेलमेंथिस, प्लैटी हेलमेंथिस में क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल्स होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया इनको भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से करिएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया आपके एनिमल किंगडम में मैंशन नहीं है, बट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें मैंशन है। ठीक है, फ्लेम सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। अशेल्मेंथिस जिनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म, उनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। और एनलिडास में क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ गई, अर्थमा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑस्मो रेगुलेशन भी ये मेंटेन करते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, माल्फिजन टिब्यूल, और ये भी क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। मोलस्का में क्या होता है,
जब आप देखोगे, आपने स्टडी किया होगा, मेंटल कैविटी होती है, और मेंटल कैविटी में क्या होते हैं, फीदर लाइक, ठीक है, फीदर लाइक क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये मैं याद रखना है। और इकाइनोडर्म्स में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एबसेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इकाइनोडर्म्स का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है उसमें, क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। उसके बाद हेमिकॉड्रेट्स की बात आती है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, प्रोबोसिस। उसके बाद क्या आता है, कॉलर और ट्रंक, जो अपर पार्ट होता है प्रोबोसिस, ठीक है, ये मैं याद रखना है। और इसका एक फीचर है जिसमें स्टोमोकॉर्ड है, स्टोमोकॉर्ड किसका फीचर है, हेमिकॉड्रेट्स का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात किसकी आती है, सिफेलोकॉड्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिफेलोकॉड्रेट, एनसीईआरटी में फोर्थ एनिमल किंगडम में मेंशन नहीं है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेंशन है। कौन सा, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल भी बोलते हैं। फिशेज किसके थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, गिल्स के थ्रू। और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनीज, ठीक है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रेट्स में। अब जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, क्या याद रखना है, जो सम एनलिडा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि सम एनलिडाज जो हैं, थोड़े से एनलिडा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनलिडा जो हैं, और रोटीफर्स, रोटीफर्स क्या है, बेसिकली एक राउंड वॉर्म है, ठीक है, राउंड वॉर्म की एक टाइप है, ठीक, क्लास है, ठीक है, ये मैं याद रखना है। इनमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, ठीक है, नेफ्रिडिया नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सम एनलिडास की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो आर्थ्रोपोड है, आपका फाइलम है, वहाँ पे आपने प्राण की एग्जाम्पल स्टडी की होगी, तो प्राण में क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, ध्यान से सुनिए गाइस, एंटीनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, एंटीनल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, अगर और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।